एके मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। एके मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता और ओपी सागर साहब, पूर्व आईपीएस, ये दो लोग अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं पहले एके मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास, क्योंकि जैसे मैं सपा या भाजपा किसी एक के पास जाऊंगा, बहस बहुत ताप, एकदम ताप बढ़ जाएगा बहस का, तो धीरे धीरे पड़े। एकदम डॉक्टर कहते ठीक नहीं, बुखार एकदम 105 हो जाए तो ठीक नहीं, फिर तो संकट हो जाता है, धीरे धीरे बढ़े। तो मैं समझना ही चाह रहा हूं कि विधि कोई हो, अपराधी दो मॉडल हैं हमारे सामने देश में। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली दो मॉडल हैं। क्या मैं मायावती के समय में महीने दो महीने में 100-125 केस जो अतीक के खिलाफ दर्ज करा दिए सरकार ने, उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो खैर हाईकोर्ट ने भी क्वेश्चन कर दिए थे, लेकिन 100 तो पक्के मुकदमे, क्या एक में भी सजा नहीं? ऐसी ऐसी सोनाम धन्य सरकारें आई जिन्होंने केस वापस ले लिए, ऐसे ऐसे सोनाम धन्य अधिकारी पैदा हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस के, जिन्होंने एफआईआर लगा दी राजनीतिक दबावों में। एक मॉडल ये है कि 100 केस करो, सैकड़ों मारो, लूटो, काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मस्त रहो, चंपी करा घूमो, क्या और ग्रह नक्षत्र अच्छे हो तो सांसद विधायक बन के रौब गांठो। दूसरा है, आपकी टांगे कांपें, आपको भय लगे, आप रोएं, चिल्लाए और आपको अपनी हैसियत का अंदाज हो जाए। कौन सा मॉडल जनता की दृष्टि से ठीक है मिश्रा जी? दो ही मॉडल है व्यवहार में, बाकी तो सिद्धांत में होंगे, मैं नहीं जानता। हम एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे अमिताभ जी, आप स्वयं मूर्धन विद्वान हैं और हमारे सारे मित्र भी मूर्धन विद्वान हैं। बात केवल आजादी के बाद या संविधान की नहीं होगी, हजारों साल का आप इतिहास देख लीजिए, इस देश में जो न्यायप्रिय राजा रहा है उसके सामने आतताइयों ने, अपराधियों ने हमेशा त्राहिमाम करके ही घुटने टेके हैं, जो कि अभी हो रहा है। और इतिहास में अगर आप ये देखें, आजादी के बाद या सैकड़ों साल के बाद, मैं दो घटनाएं ऐसी देख रहा हूं, जब अमित शाह जी ने संसद में बोला था कि जान की बाजी लगा देंगे पीओके के लिए, और योगी आदित्यनाथ ने बोला कि मिट्टी में मिला देंगे, इतना बड़ा चुनौतीपूर्ण वचन, दृढ़ संकल्प भारतीय राजाओं में, शासकों में मैं सैकड़ों साल के बाद सुन रहा हूं कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को, आतताइयों को चुनौती दी है कि या तो तुम रहोगे या यहाँ पे कानून का इकबाल रहेगा। तो न्यायतंत्र के लिए, समाज के लिए, भारतीय संस्कृति और इतिहास के लिए जो आपने दूसरा वाला सिद्धांत बोला कि किसी भी विधि से करके अपराधी जो है उनके लिए एक ही चीज है कि वो त्राहिमाम करने लगे जैसे आज कर रहे हैं। आप उस फोटो को देखिए, ऐसे बम फेंक रहे हैं जैसे फूल बरसा रहे हैं, गोलियां दाग रहे हैं, ये अपराध नहीं है, ये इसको आतंकवाद की श्रेणी में रखना चाहिए। वहां सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगी हुई है, मार्केट ओपन है, समाज को ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये समाज से बड़े हो गए हैं और सरकार से बड़े हो गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात अमिताभ जी, आपने बोला कि सैकड़ों केस होते थे, इसके पहले सरकारों में ये होता था कि भैया देखो कौन अपराधी है, किसके ऊपर कितने केस है, जल्दी से उसको अपनी पार्टी में बुला लो, वो उतना ही बड़ा नेता होगा, हमारे लिए वो उतना बड़ा असेट होगा। इस सिद्धांत को चेंज कर दिया है वर्तमान में सरकार, चाहे जिसकी हो, बात योगी की, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की नहीं मैं कर रहा हूं, बात मैं उसकी कर रहा हूं कि कोई भी बैठे सत्ता पे, शासन पे, प्रशासन कोई भी चलाए, लेकिन सिद्धांत को चेंज होते हुए मैंने पहली बार देखा है और मैं स्वागत करता हूं। यही होना चाहिए कि अपराधी हमेशा हाथ जोड़ के त्राहिमाम की मुद्रा में खड़े रहे, ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के इतिहास के लिए, संस्कृति के लिए, जनता के लिए ही है। ठीक बात है।